हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने फ़ोन पर किसी भी नंबर की सारी कॉल डिटेल देख सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी की कॉल डिटेल देखनी है तो आप बड़ी आसानी से पता कर पाएंगे, और उसी का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी मदद से ही आप किसी भी नंबर की कॉल डिटेल्स को अपने फ़ोन पर देख सकते हैं। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पर की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको नीचे गेट स्टार्टेड ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। बस जैसे आप यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी सिम और ऑपरेटर को जो आइडेंटिफाई ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब उसके बाद अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपको अगर आपके पार्टनर, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बच्चे हैं, भाई बहन है, आपके परिवार में कोई भी है, किसी की भी आपको नंबर की कॉल डिटेल निकालनी है तो सिर्फ आप 10 सेकंड के लिए उनका फ़ोन अपने पास रख लीजिए, 10 सेकंड के लिए, जी हाँ, और अपने फ़ोन पर उनका नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपना नंबर टाइप कर रहा हूँ, आप यहाँ पर किसी का भी नंबर डायल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डायल कर रहा हूँ, ठीक है, और जैसे आप यहाँ पर अपना नंबर डायल कर देंगे उसके बाद नीचे आप वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा। नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो वेरीफाई जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ओके कर दिएगा। ओके करते ही यहाँ से एक OTP सेंड होगा, तो वो फ़ोन जो आपके पास है उसके पास OTP आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने अपने नंबर डाला है तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा, नहीं तो आपके फ़ोन पर OTP आएगा जिस भी फ़ोन का आपने यहाँ नंबर डाला है, और उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर डाल देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पूछ जाएगी कि आप यहाँ पर अपनी कोई ईमेल आईडी पूछ लीजिए। यहाँ पर आप अगर अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी चेंज कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं करना चाहते तो जो भी आपके फ़ोन में ईमेल आईडी है उसी के ऊपर आपकी सारी कॉल डिटेल की मेल भेजी जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसे ओके कर देता हूँ क्योंकि मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर ठीक डली हुई है। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा गिव परमिशन, आपको नीचे गिव परमिशन पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर गिव परमिशन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद ये आपको मोबाइल बैलेंस जो आपको चेकर दिख रहा है इसे आपको ऑन कर देना है। देखिए नीचे आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है ये ऑफ, तो इसको यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ये आपको जो बटन नज़र आएगा एक, इसको यहाँ पर क्लिक करके इसे भी आप ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया, उसके बाद ओके जैसे आप करेंगे ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद देखिए अब यहाँ पर ये मोबाइल की ये जो एप्लीकेशन है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप जिस भी सिम की कॉल डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। देखिए मेरी यहाँ पर अभी जियो पर सेलेक्ट है, तो यहाँ पर कॉल डिटेल्स यहाँ जियो की आएगी। अपनी आप दूसरी सिम सेलेक्ट कर देंगे तो उसकी यहाँ पर आप कॉल डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ जियो सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं इसकी कॉल डिटेल पर क्लिक करता हूँ। आप भी इसी तरह से यहाँ कॉल डिटेल पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप कॉल डिटेल पर क्लिक करेंगे आपकी जितनी भी कॉल डिटेल्स होगी वो पूरी यहाँ पर आपको लिस्ट में मिल जाएगी। मैंने हाइड कर दिया है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मेरे पर्सनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है। आप इसको देखिए जैसे आपकी अभी तो रिसेंटली ये मुझे बताया गया है, और आप यहाँ पर चाहते हैं तो आपको देखिए जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है बिल, तो आप यहाँ पर बिल पर क्लिक कीजिए। बिल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने दिनों की जो डिटेल चाहिए, तो यहाँ पर आप 7 दिन की भी मांग सकते हैं, पिछले 7 दिनों की भी, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करके पिछले 30 दिन की यानी कि पूरे महीने की भी आप डिटेल्स मांग सकते हैं। तो मैं यहाँ चलिए 7 दिन की जो सेलेक्ट है वही मैंने कर दिया है, और नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है गेट बिल बाय मेल, तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा गेट बिल तो यहाँ पर जो मेरा ईमेल आईडी जो इसमें है ऑलरेडी उस ईमेल आईडी पर मेरा बिल जो है वो मुझे भेज दिया जाएगा और उसके अंदर सारी डिटेल्स होगी। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ईमेल आईडी डला हुआ है तो यहाँ पर मुझे बिल आ जाएगा, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है बिल पर, अब देखिए यहाँ पर मुझे एक मेल आ जाएगी, ये मुझे मैसेज आ गया है कि मुझे ईमेल पर बिल जो है वो सेंड कर दिया गया है। अब मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे मेल आएगा और मैं आपको वो मेल ओपन करके दिखाता हूँ कि उसमें किस तरह से। देखिए यहाँ पर मेल आ चुका है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक सेकंड। देखिए मैंने मेल आया है मुझे, और ये मैंने जो मेल है वो आपके सामने ही ओपन कर दिया। मैंने यहाँ वीडियो को कोई भी किसी भी तरह से स्किप नहीं किया है,
अभी यहाँ पर मेल जो है वो ओपन हो रहा है और मैं आपको उसमें डिटेल्स दिखाता हूँ किस तरह से वो डिटेल्स यहाँ पर ओपन होगी। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ऊपर डेट भी आपको दिख रही होगी कि 7 दिन का पूजा, 7 दिन का यहाँ पर जो है डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर 7 दिन का पीरियड मुझे बता दिया है और देखिए मोबाइल की तरफ से मुझे ये मेल आ चुका है और देखिए नीचे ये जो पेज है ये, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा बिल डिटेल है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की जो है बिल डिटेल, यानी कि बिल डिटेल सिर्फ आपका बिल नहीं, यहाँ पर आपकी सारी कॉल डिटेल भी आपको बताई जाएगी कि आपने कहाँ कॉल किया है, कितनी देर उसमें बात की है, सारी डिटेल जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो देखिए अभी ये ओपन हो रहा है और ये पूरा देखिए यहाँ पर पूरा ये ओपन हो चुका है। ये पूरी लिस्ट है जो 7 दिनों की मैंने लिस्ट मंगाई थी, तो यहाँ पर 7 दिनों की लिस्ट आ चुकी है। इस तरह आप पूरे महीने की भी यहाँ पर कॉल डिटेल मंगा सकते हैं किसी भी नंबर की। तो दोस्तों देखिए ये थी एक वीडियो कि किस तरह से आप किसी भी नंबर की कॉल डिटेल जो है वो देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर नई नई वीडियो को भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।